बाई मोलिकुलर रिएक्शन तो हमने लास्ट क्लास में देखी थी, उसमें दो थ्योरी थी। पहली थ्योरी थी आपकी कोलिजन थ्योरी और दूसरी थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। उसको मैंने आप लोगों को समझा दिया था, नोट्स भी दिए थे। और साथ में मैं आपको ये भी कहूंगा कि अगर आपको और सिंपल तरीके से समझना है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप ग्रेजुएशन की बुक में से देख लें, क्योंकि ग्रेजुएशन की बुक में अपने को बाई मोलिकुलर थ्योरी तो मिलती है। यूनिमोलिकुलर थ्योरी का कोई डिस्क्रिप्शन आपको ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं मिलता। इट कम्स फर्स्टली इन एमएससी सिलेबस। तो बात यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायमोलिकुलर एंड यूनिमोलिकुलर थ्योरी। बायमोलिकुलर थ्योरी में और यूनिमोलिकुलर थ्योरी में बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि बायमोलिकुलर थ्योरी ये कंसिडर करती है कि उसमें रिएक्शन होने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए कम से कम दो मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। कितने मॉलिक्यूल का होना जरूरी है? एटलीस्ट दो मॉलिक्यूल की। वो थ्योरी बिल्कुल गलती है कि दो मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे, टक्कर करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। जैसा पहले देखा एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी में क्या किया था कि दोनों दोनों रिएक्टेंट जो है वो दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, और वो ट्रांजिशन स्टेट फिर किसमें कन्वर्ट होती है? प्रोडक्ट। तो उसके लिए भी कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट थी? दो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स की रिक्वायरमेंट। अब यूनिमोलिक्यूलर थ्योरी का मतलब क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल हो, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल हो, उससे कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले कौन सा हाइपोथेसिस है? लिंडेमान थ्योरी। नोट्स मैंने आपको वो भी दे दिए हैं, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल डेरिवेशन मिलेगा। ठीक है, डेरिवेशन उसमें भी मिलेगा लेकिन इससे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी बाय मेकिंग कोलिजन विद वन अनदर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि आपने देखो यहाँ पे ए है और दूसरा भी क्या है? ई है। जबकि वहां पे आपने देखा एक ए था दूसरा बी था, सो दैट इज अ बायमोलिकुलर और इट इज अ यूनिमोलिकुलर। तो सबसे पहले क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज द एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन होना। क्योंकि जब तक एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? इट हैज ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए जितनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के आफ्टर एक्टिवेशन भी हो सकती है। ठीक है, सो ए प्लस ए विद एनी रिएक्टेंट रेट कांस्टेंट, यू नो वेरी वेल दैट इन केमिकल काइनेटिक्स ईच एंड एवरी स्टेप देयर इज अ रेट कांस्टेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच स्टेप। तो हर एक पद के लिए एक केवन चाहिए होता है, उसमें से एक ए स्टार होगा, ए एनर्जाइज्ड होगा। एक दोनों में आपस में कोलिजन करी, कोलिजन करने से एक जो एनर्जी ट्रांसफर हो गई दूसरे के अंदर, या मैं कहता हूँ एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ कि एक कोई भी गेंद अपनी जगह पे पड़ी हुई है, आपने दूसरी गेंद से उठाया उसको मारा, तो आपने मारा तो दूसरी गेंद से था, लेकिन जैसे ही उसे टक्कर खाई थी तो वो जो गेंद पड़ी हुई थी कॉन्स्टेंट वो भी तो चलने लगी थी, चलने लगी थी। उसमें एनर्जी कहाँ से आई? उस दूसरी गेंद की कोलिजन की वजह से आई कि नहीं? उसी तरीके से मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया, तो ये कहलाएगी एक्टिवेशन। सिंपल, जस्ट द सिंपल प्रोसेस। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिकम्पोज इमीडिएटली। जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो हाथों हाथ डिकम्पोज नहीं होते। देयर इज अ चांस टू डीएक्टिवेट आल्सो, देयर इज अ चांस टू डीएक्टिवेशन आल्सो। मतलब कि हो सकता है कि वो ए स्टार मॉलिक्यूल जो बना है, जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, वो प्रोडक्ट बनाने की बजाय वापस डीएक्टिवेट हो जाए और किसमें कन्वर्ट हो जाए? रिएक्टेंट में। There is a probability to convert into either into product or reactant. Clear है? तो directly decompose नहीं होता। There is a some time difference between the process of activation and process of deactivation. यानी का मतलब क्या है कि उस molecule को डिकम्पोज होने में, प्रोडक्ट बनने में कुछ टाइम लगता है, बिकॉज जो एक्टिवेशन की प्रोसेस है और डीएक्टिवेशन की प्रोसेस है उसके बीच में थोड़ा टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। अरे भाई, इधर से इधर चलना एक्टिवेशन है और इधर से इधर चलना डीएक्टिवेशन। क्लियर है?
एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मे डिसअपीयर बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग कॉज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट ही बने, समझना ध्यान से, जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट ही बने, हो सकता है वो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाए, रिएक्शन रिएक्टेंट में। दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड डी एक्टिवेशन। कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? डी एक्टिवेशन। इफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट देन दैट विल बी कॉल्ड डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेड एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। एंड इफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स डीएक्टिवेट इन टू reactants, then that is called deactivation of molecules. Okay, so there is an equal probability, equal chance to convert either into product or reactant molecules. Clear is among them? There is a two following process. First process is deactivation process. If agar ye A star molecule tha, wapas kisme convert ho jaye? Reactant molecules. Iske liye rate constant kya ho jayega? K2. Activation ka constant kya tha? K1. और दूसरी, दिस प्रोसेस इज जनरली फेवर्ड एट हाई प्रेशर। अगर प्रेशर हाई होगा तो दैट कुड बी बेटर नाउ फॉर डीएक्टिवेशन। डीएक्टिवेट होने के लिए ये चांस ज्यादा है अगर हाई प्रेशर लिया जाता है। और अगर लो प्रेशर लिया जाता है, कौन सा प्रेशर लिया जाता है ये याद रखना पड़ेगा। तो लो प्रेशर लिया जाता है देन ए स्टार कैन बी कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट, कैन बी कन्वर्ट इंटू Decomposition process. A star convert into products. Sound me aa raha hai? Are you getting my point? Clear away sab logo? Okay, so overall we can say there are total three steps. First step activation, second step deactivation, and third step will be decomposition of activated molecules into products. So there is a three step. First step is activation. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्टिवेशन। और ये क्या हो रहा है? डीएक्टिवेशन। और ये क्या हो रहा है नीचे? डीकंपोजिशन। क्लियर है सब लोगों? तीन स्टेप होगा ना, K1, K2 और KS। हाँ जी, क्लियर है सबको? ये अपन ने लिख दिया। अब ये स्टेप बन गए। अब देखो प्रोडक्ट फॉर्मेशन सीधी सी बात है, जैसा हम हमेशा करते हुए आए हैं हमें हमेशा वैसा ही करना है। किस स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा है? थर्ड स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा है। किस स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा है? तो वी कैन से द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K3A। एंड यू नो वेरी वेल दैट A स्टार इज नॉट ए रिएक्टेंट, इट इज इंटरमीडिएट, इट इज ए इंटरमीडिएट। एंड यू नो द रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू जीरो according to steady state approximation। ये ऐसे से लगाइए ना यहाँ पे। अरे इसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तो बोल दो। ये तो वही तो प्रोसेस है सारी की सारी। कहाँ गए जगतनीता, निशा आ रहा है सब, हिमांशी शर्मा आ रहा है, ये रहे सब लोग। यस सर, ये वही प्रोसेस है। पहले मैंने ये तीन स्टेप बना लिए, तीसरे स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा है। बन किससे रहा है? ए स्टार से। अब आपको पता है कि ए स्टार नॉट ए रिएक्टेंट, ए इज अ रिएक्टेंट। तो हमें ए स्टार को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है? अपन ये मान लेंगे कि इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू जीरो। एक ही वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखिए कैसे निकालूंगे, देखो। हाँ भाई, ए स्टार कहाँ बन रहा है? पहले स्टेप में बन रहा है ना प्रियंका, पहले स्टेप में बन रहा है ना ए स्टार। ये देखो बन रहा है, क्या है? रेट कॉन्स्टेंट K1 और दो रिएक्टेंट है K1A2। ये आ गया K1A2 बन रहा है, इसलिए प्लस आया। दूसरे स्टेप में A स्टार टूट रहा है। दूसरा स्टेप कौन सा है? ये वाला। तो क्या आएगा? K2 A स्टार इनटू A, K2 A स्टार इनटू A माइनस में आएगा। तीसरा स्टेप माइनस K3A माइनस K3A बराबर जीरो। ये दोनों माइनस को इधर ले आ जाओ बराबर के।
प्लस क्यों देंगे? हाँ भाई हरदीप, बराबर के टू ए स्टार ए इंटू सॉरी प्लस के थ्री ए स्टार, क्लियर है? अब इसमें से किसको कॉमन ले लेंगे? ए स्टार को कॉमन ले लो, के वन ए स्टार वैल्यू ऑफ ए स्टार। इसकी थ्योरी अब आपको कोई चिंता नहीं, मैंने आपके इतना बढ़िया काम कर दिया, मुझे नहीं पता किसी और स्टूडेंट के पास इतने अच्छे नोट्स होंगे आप लोगों के पास, आप उसकी थोड़ी वहां से आप देखना 10-15 दिन के अंदर अपनी पूरी क्वालिटीज खत्म हो जाएगी और आपके पास बहुत अच्छा मैटर होगा करने के लिए। उसका क्या चल रहा है भाई? तो देखिए यहां से आपने ये ए स्टार की वैल्यू निकाल ली, हाँ भाई ए स्टार की वैल्यू निकाल ली ना। अब इस ए स्टार की वैल्यू को अपन यहां पुट कर देंगे, किसमें करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भाई क्लियर है ना ये, तो क्या लेगा के थ्री ढाई है वाला के थ्री है ना, और ए स्टार की वैल्यू रख दो तो फिर द रेट ऑफ एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मिक्स ऑर्डर रिएक्शन। मिक्स ऑर्डर क्यों? मिक्स ऑर्डर क्यों है बताओ? आप बताओ मिक्स ऑर्डर क्यों है? आप इतना पढ़ चुके हो, आप देखो यहाँ पे उस पूरी इक्वेशन के अंदर ये कांस्टेंट है, ये K1 कांस्टेंट है, K2 कांस्टेंट है, K3 कांस्टेंट है, इनको दिक्कत नहीं। लेकिन ए क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्या कहा कि फाइनल रेट इक्वेशन उसको बनेंगे जिसके अंदर K1 और K1 अभिकारकण आते हैं, इसमें अभिकारकण आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ए स्टार ऊपर भी, ए स्टार ऊपर भी आ रहा है और ए नीचे भी आ रहा है। अरे अगर ये वाला नहीं, ये वाला ध्यान दीजिए तो मैं इसको कहता था दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है? अरे ये दोनों K3 K1 मिलकर के कोई भी कोई दूसरे कांस्टेंट से बोल देते इसको, ये बोल देते टोटल मिला के ए स्क्वायर आने का मतलब कौन सा हो गया? ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल ए आता तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता, ए क्यूब आता तो थर्ड ऑर्डर हो जाता। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? ऊपर भी आ रहा है नीचे भी ए आ रहा है, तो ये इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाता है? मिक्स ऑर्डर रिएक्शन, जिनको अपन को क्या करना पड़ता है? कंडीशन के ऊपर सोल्व करना पड़ता है। किसको सोल्व करना पड़ता है? कंडीशन पे। कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये दो चीजें आ रही है इसके अंदर, देखो इसमें दो चीजें आ रही है, एक तो K2A आ रहा है और एक क्या आ रहा है? K3 है। तो अपने को क्या करनी पड़ेगी? कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ K3 इज ग्रेटर ग्रेटर देन K2A। दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ K2A इज ग्रेटर ग्रेटर देन K3। और तीसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी जब दोनों एक दूसरे के बराबर है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको? क्लियर है कि नहीं है? हां सर। सिंपल जो ओपन करते हैं मिक्स ऑर्डर रिएक्शन को, तो करने कंडीशन फर्स्ट, देखो ये मान लिया ना, देखो मैंने क्या कहा, जो मैंने बोला वही तो आएंगे। देखो K2 को K3 से बड़ा मान लिया तो फिर K3 को हटा देंगे तो K2 रह जाएगा, अब A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे ये जब कैंसिल आउट, यहाँ से K3 हटा देंगे ना इसको, तो K2 ही बचेगा, फिर A से A के चला जाएगा तो केवल A ही तो ये बचेगा ऊपर। तो जब A के बचेगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? तो इसने इसको क्या बोल दिया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला कि नहीं बोला? अब उसके बाद में हाई प्रेशर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। इसको सेकंड कंडीशन पे क्या है? K3 को बड़ा मान लो, जब K3 को बड़ा मानोगे तो देखो ये हट जाएगा, K2 हट जाएगा, तो अब नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो एक बार बचेगा तो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आएगी नहीं? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ भाई क्लियर है। तो लो प्रेशर पे सेकंड, हाई प्रेशर के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा लो हाई का मतलब क्या है? देखो आपने यहाँ पे इसको बड़ा माना है, किसको बड़ा माना है? K2 को बड़ा माना है, K3 को अब छोटा माना है। तो अपन ये कह सकते हैं K3 को बड़ा मानने का मतलब क्या है? आपको याद कीजिए मैंने शुरू शुरू में क्या बताया था कि डिकम्पोजिशन कब होता है? डिकम्पोजिशन कब होता है? हाँ भाई डिकम्पोजिशन कब होता है? लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे। और डीएक्टिवेशन कब होता है? हाई प्रेशर पे। अरे हाई प्रेशर में होता है कि नहीं होता? नहीं आ समझ में? बोलिए सर। लो प्रेशर पे क्या होता है? डीएक्टिवेशन होता है ना। कौन सा स्टेप होता है? पीछे वाला K2A वाला डीएक्टिवेशन वाला स्टेप होता है कि नहीं होता? लो प्रेशर पे या हाई प्रेशर पे होता है? हाई प्रेशर पे होता है सर। हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे स्टेप होता है बेटा डीएक्टिवेशन वाला। तो डीएक्टिवेशन वाला कौन सा स्टेप है? K2A वाला ही तो है। डीएक्टिवेशन वाले स्टेप का रेट कांस्टेंट क्या है बताओ मेरे को? K2 है कि नहीं है? दोबारा बोल रहा हूं, K1 रेट कांस्टेंट कब है?
K1 rate constant कब होगा? Activation के लिए. A से A star बनने का जो है उसका rate constant क्या है? K1. Deactivation A star से वापस A बनने का कौन सा है? K2. है कि नहीं है? और decomposition का कौन सा जिसमें product बनता है जिसको decomposition बोलते हैं वो क्या है? K3. है कि नहीं है? तो decomposition कब होता है? Low pressure पे. अरे होता है कि अरे क्या नाम है इसका प्रियंका गुप्ता तुम बोलो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपस में बोला करो तुम आपस में सब लोग निशा शशि से नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को यस सर है सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हाई प्रेशर होगा तो डीएक्टिवेशन होता है कि नहीं होता ये देखो मैंने लिखवाया था आपको ये देखो ये चीज ये देखो डिकम्पोजिशन प्रोसेस लो प्रेशर और डीएक्टिवेशन प्रोसेस हाई प्रेशर तो डीएक्टिवेशन वाली कौन सी प्रोसेस है ये K2 वाली तो प्रोसेस है कि नहीं है तो जब मैं यहां पे K2 को बड़ा मान रहा हूं K2 को ज्यादा मान रहा हूं नहीं मान रहा इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि A स्टार उत्पाद में परिवर्तित होने की बजाय ज्यादा डीएक्टिवेट हो रहा है ये तो मतलब हुआ कि हुआ K2 का मतलब ज्यादा होने का मतलब भाई K3 ज्यादा होने का मतलब तो क्या हुआ कि A स्टार प्रोडक्ट बना रहा है ज्यादा और K2 ज्यादा होने का मतलब क्या है कि A स्टार वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है A के अंदर कन्वर्ट हो रहा है कि यू आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट तो मैं यहां पे जब K2 को K3 से बड़ा मान रहा हूं तो यहां पे K2 ये आ जाएगा ये K3 ये हट जाएगा ना यहां से तो K2 ये आ जाएगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली क्या बन जाएगा ये तो पूरा एक मिला के एक रेट कॉन्स्टेंट मान लो और ये मान लो तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई कि नहीं भी अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन से पे प्रेशर पे बोलेंगे हाई प्रेशर पे ही तो बोलेंगे इसको तो हाई प्रेशर के ऊपर क्या होता है K2 ज्यादा होता है ना K3 से अरे मैं बताया तो समझ आपको कि हाई प्रेशर के ऊपर डीएक्टिवेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू डीकंपोजिशन क्लियर है क्लियर और नॉट अच्छा लो प्रेशर पे क्या होगा K3 ज्यादा होगा लो प्रेशर पे K3 ज्यादा होगा कि नहीं होगा तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ K3 K2 से ज्यादा होगा तो जब K3 K2 से ज्यादा होगा इसका मतलब ये देखो ये K3 बचेगा तो ये क्या होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कब होगी लो प्रेशर पे अब मेरे को ये बता दो दोनों कंडीशन आप लोगों को समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे ठीक है लो प्रेशर पे सेकंड ऑर्डर और हाई प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर अब आपको पता है लो प्रेशर ये रेट ये अभी तो अभिक्रिया का वेग हो गया और ये क्या हो गया अभिकारक की सांद्रता तो लो प्रेशर का मतलब क्या है शुरू में अरे ये यहां पे गैस है कौन सी अणु है ये ए ये क्या है यहां पे गैस है तो गैस की मात्रा कम प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा गैसों की मात्रा दाब को प्रभावित करती है कि नहीं करती है जब दाब मात्रा कम तो दाब ज्यादा जब गैस मात्रा ज्यादा तो दाब भी ज्यादा तो लो प्रेशर के ऊपर मतलब ए यहाँ पे कितना है जीरो है कि नहीं है तो यहाँ पे क्या रहेगा शुरू शुरू में कौन सा प्रेशर रहेगा लो प्रेशर और आगे जाके क्या हो जाएगा हाई प्रेशर हो जाएगा लो प्रेशर पे देखो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ना यहाँ तक ये पॉइंट यहां तक क्या आ रहा है ये लो प्रेशर सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में कैसा ग्राफ आता है बताओ ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है और सेकंड ऑर्डर का कर्व कैसा होता है यूं होता है कि नहीं होता यूं तो होता है भाई सेकंड ऑर्डर में ऐसा ग्राफ क्यों होता है एक्सपोनेंशियल क्यों कर्व आ रहा है क्योंकि वहां पे अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के वर्ग के समानुपाती होता है वर्ग का मतलब दो गुना होगा तो चार गुना होगा चार होगा तो सोलह गुना होगा सोलह होगा तो सोलह गुना सोलह होगा तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल आएगा कि नहीं आएगा पर फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है डायरेक्टली समानुपाती होता है मतलब ये दो गुना तो ये भी दो गुना ये चार गुना तो ये भी चार गुना ये आठ गुना तो ये भी आठ गुना तो पहले तो कर्व यू आया है और फिर यू आया दोनों को मिलाकर इसको बोलते हैं मिक्स ऑर्डर रिएक्शन जो कुछ समय के लिए तो उसकी ऑर्डर अलग है और कुछ समय के लिए उसकी ऑर्डर अलग है ये लोग भी समझोगे चले आगे ये आपकी थ्योरी एग्जांपल फिर कर लेना डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 जो है वो इसको प्रेजेंट करता है इसकी पूरी थ्योरी आपको वहां पे नोट्स में मिल जाएगी समझ में आया कि नहीं आया आपको इट्स अ वेरी सिंपल पूरी चीज लिखी हुई है लिंडनमान थ्योरी मैंने आपको बता दिया है इसके अलावा हिंसल बुल थ्योरी में कोशिश करूंगा नोट्स आप लोगों को दे दिए
और ये जो लिंडरमैन थ्योरी है, इस लिंडरमैन थ्योरी को पूरा नोट्स आप पढ़िए घर पे जाकर के बैठ के आराम से, इनकी फोटो को भी निकलवाइए, मोबाइल में पढ़िए, जैसा भी है आपको पूरा मैटर में देते हुए जाता हूँ सर। क्लियर है? हाँ भाई कर लोगे आराम से? यस सर। चलो ठीक है फिर, है ना।